अच्छा अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो एस एन सी था सिंगल नेशनल करिकुलम जो दो हजार इक्कीस में आ, जो प्लान किया गया था अर्ली चाइल्ड हुड एंड केयर एजुकेशन के लिए इसमें प्ले से रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटीज जो हैं वो पेश की गई थी तो एज अपडेटेड रिसर्च शोज प्ले बेस्ड लर्निंग इज मीनिंगफुल आइटरेटिव जॉयफुल आईफुल सोशली इंटरेक्टिव एंड एक्टिवली एंगेजिंग फॉर चिल्ड्रेन विच एनेबल्स द डेवेलपमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स ये स्टेटमेंट हमारे सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर मौजूद थी मतलब उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया कि खेल की अहमियत है और जो हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो प्ले बेस्ड होनी चाहिए क्योंकि ये यहाँ से बच्चे मीनंगफुली सीखते हैं और ये कि वो खुशी भी महसूस करते हैं फिर वो अपने इर्द गिर्द के जो एनवायरनमेंट है और जो पीपल हैं उनसे वो इंटरेक्ट करते हैं और उनको वो मेंटली फिजिकली इमोशनली एंगेज रखता है प्ले जो है सो इट स्टार्ट्स एट होम बट अल्टीमेटली बिल्ड अपॉन एट द स्कूल इनसाइड ईसीई क्लासरूम सी मोरवर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट प्ले बेस्ड लर्निंग इज़ नॉट व्यूज एज एन आइसोलेटेड एक्टिविटी अब यहाँ भी ये यह तस्लीम किया गया कि आप बच्चे पहले खेलते थे अपने घरों में लेकिन आप उसको ई के क्लास में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं समझेंगे कि खेल का मतलब सिर्फ खेल है इसमें बच्चों ने एंजॉय कर लिया तो बस काफ़ी है खेल जो है उसमें से चुके बच्चे मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो सीख सकते हैं तो आप अपने बहुत से लर्निंग आउटकम्स को इनकॉपोरेट कर सकते हैं खेल में यानी बच्चे कुछ भी खेल रहे हों तो आप ये कर सकते हैं कोशिश कि बच्चे अब आपके डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम जो हैं वो इसमें हासिल करें दैट कुड बी फॉर मैथमेटिक्स दैट कुड बी फॉर लैंग्वेज दैट कुड बी फॉर वर्ल्ड अराउंड अस और द चाइल्ड्स पर्सनल ओन ग्रोथ सो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सिंगल नेशनल करिकुलम था इसमें प्ले बेस्ड एक्टिविटीज की अहमियत को तस्लिम किया गया और बताया गया कि इसको ई ई का हिस्सा होना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कुछ रूल्स कुछ बेंच मार्क्स स्टैंडर्ड या इंस्ट्रक्शन कह लें वाजे या क्लियर इंस्ट्रक्शन वो मौजूद नहीं थी और ये भी नहीं बताया गया कि जब हम आ, इसको क्लास रूम के अंदर लार्ज स्केल पे इसको प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमें कौन से इकदाम करने होंगे दूसरे लफ्ज़ों में जो इस हैं उनकी तरबियत के बारे में भी वाज ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं कि प्ले बेस्ड लर्निंग जो है वो एक इसी क्लासरूम के अंदर किस तरह से इनकॉपोरेट की जा सकती है तो फिर ये कि असूली तौर पर तो जो वे फॉरवर्ड है हमारा वो ये है कि वालदेन को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और जो हमारे अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेटर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए और वो दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल के बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ तरतीब दें जिसके थ्रू आपके बेंच भी हासिल हो जाएं, आप असमेंट्स भी ले सकें और जो बच्चे की होलिस्टिक और मीनिंगफुल नशो नुमा या डेवलपमेंट होनी है वो भी हो पाए तो हम इस तरह से आने वाली जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसमें हम प्ले बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं या उनके ऊपर थेरीज जो हैं उनकी इम्प्लीकेशनस बता सकते हैं अपने एजुकेटर्स को